नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का और मैं हूं रचना बंसल। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी बचे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने गुजरात का किला फतेह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन सत्ता की चाबी तो जनता के हाथ में है। लिहाजा इंडिया न्यूज लगातार आपको गुजरात के अलग अलग जिले में जनता के बीच जाकर आपको गुजरात के सियासी मूड से वाकिफ करा रहा है। आज इंडिया न्यूज की टीम सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर जिले में पहुंची। सुरेंद्रनगर तो इंडिया न्यूज इस वक्त राजीव आवे छे और आवे छे कहां, सौराष्ट्र के पहले गांव लिंबड़ी में। सुरेंद्रनगर का हिस्सा है ये यहाँ पर, और यहाँ पर जानने आए हैं कि आखिर चुनाव में लोगों का ध्यान किधर है, क्या सोच रहे हैं लोग। सबसे पहले तो इसके बारे में ही पता कर लेते हैं, क्या चीज है भाई ये है? कचरिया है। खाते हैं, पीते हैं? खाते हैं। लिमड़ी की नई आइटम है पश्चात, किसका? काले तिल और गोड़ का। काले तिल और गोड़ का, तिल का है ये। इसको क्या ऐसे ही खा जाते हैं? ऐसे खाते हैं। क्या भाव है इसका? 160 रुपया। 160 रुपए बड़ा वाला। हाँ, ये इसको कचरिया कहते हैं, और तिल का, तेल का और गोर का इसको मिला के बनाते हैं। सियारे के मौसम का आइटम है। अच्छा, तो किसका जोर है इस बार इलेक्शन में? कौन किसका जोर है? मोदी का। अरे मोदी का क्यों है भाई? मोदी का चलेगा नहीं यार। नहीं, राहुल का नहीं चलेगा? नहीं, रोड पर है, मोदी का चलेगा। राहुल का नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए, ये कचरिया बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल का नहीं चलेगा, किसका चलेगा? मोदी का चलेगा। मोदी का क्यों चलेगा? वो अच्छा आदमी है। तो रूपानी का क्यों नहीं चलेगा? मोदी को क्यों? मोदी अच्छा, बड़ा प्रधान है। बड़ा प्रधान है इसलिए तो मैं बोलता हूँ, उन्हें मोदी अच्छा आदमी है। चलिए, सौराष्ट्र के पहले गांव लिमड़ी में इस वक्त कचरिया के दुकान के बगल में हम ले जाए इसको। अरे नहीं ले जाएंगे, दूसरी चीज दिखाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये है छकड़ा। अरे ये मोटरसाइकिल में जोड़ के बनाया जाता है क्या? हाँ, बुलेट में जुगाड़ है। जुगाड़ सबको जुगाड़ यहाँ चलता है, गांव में यही चलता है। यही चलते हैं सब, गाड़ी भी चलती है। हाँ, तो सरकार जुगाड़ से चलेगी इस बार की सरकार किसकी चलेगी? मोदी सरकार की चलेगी। यहाँ तो रूपाणी को चलना चाहिए, यहाँ बीजेपी। मोदी क्यों? मोदी चलेगी नहीं इधर तो, बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ, कोई नहीं है? नहीं, दूसरा कोई नहीं आएगा। अरे किसका जोर आएगा भाई? मोदी का। अरे ये क्या है? लो भाई, ये सब इलेक्शन के मोड में है। अरे तुम वोट देते हो? किसका जोर है? नीचे आओ जरा मेरे पास, दूर क्यों? मोदी का क्यों है? मोदी का दिन। चश्मा बहुत बढ़िया आपका, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया है वातावरण ऐसा। गुजरात में क्या होने वाला है? गुजरात में अभी वातावरण तो चल रहा है कांग्रेस का चल रहा है। ये बात, एक कांग्रेस आ गया। कैसे स्टार्ट होगा? ये आया हूँ यहाँ तो खींचना पड़ेगा। क्यों खींचिए इसको? खींचिए। खींचता हूँ, जोर लगा के मोदी का कहे। हाँ, मोदी के नाम पर ही जोर लगाइए। हाँ, एक दो, नहीं आएगा। हाँ, छकड़ा स्टार्ट हो गया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। छकड़े की सवारी शुरू हो गई है सुरेंद्रनगर में। सुरेंद्रनगर जिले के लिमड़ी गांव में हम इस वक्त हैं, और आप आसपास देखते जाइए। यहाँ पर जो छकड़ा चला रहे हैं वो मोदी के नाम को लेकर छकड़ा चला रहे हैं, लेकिन जो बगल में बैठे हैं वो कांग्रेस के पंजे पर यकीन जता रहे हैं। चलते चलिए इस रास्ते में और छकड़े का आनंद लीजिए, और इसी आनंद के साथ हम भी लोगों से बात करते हैं। किसका जोर है? किसका जोर है? जोर किसका है चुनाव में? भाजपा का क्यों है जोर? भाजपा जोर क्यों है? भाजपा का ही पता है, भाजपा ही है, भाजपा है। कांग्रेस का जोर है तो नहीं, इनको दो। कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस का जोर हो गया। तमाम लोगों के बीच में और भी रंग दिखाएंगे सौराष्ट्र के, आपको हर गांव में पहुंचेंगे, जानने की कोशिश करते हैं लोग क्या सोच रहे हैं। वो गुजरात में क्या कहते हैं कि फलाना आवे छे, नवसर्जन लावे छे, या फलाना आवे छे, विकास लावे छे। तमाम लोगों की टक्कर है यहाँ पर, लेकिन हम इस वक्त राजीव आवे छे और इंडिया न्यूज का किस्सा कुर्सी का लावे छे फिलहाल चटिलो में है सुरेंद्रनगर जिले के, और यहाँ पर माँ चामुंडा माता का मंदिर है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं, पूरे गुजरात से लोग आते हैं, देश से लोग आते हैं,
माँ के सामने अपनी मुरादें लेकर आते हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर ये मंदिर क्यों इतना खास है और लोग इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? पूजा। माई नेम इज पूजा। माई नेम इज पूजा। क्या होगा इस बार इलेक्शन में? इस बार भाजपा की जीत भाजपा आएगी। आप शर्मा बोल रही हैं? हाँ। क्यों आएगी? ये विकास से। चलिए विकास के लिए आएगी इधर। अच्छा मेरा 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 भाई साहब कह रहे हैं सर जी मेरा भाजपा। क्या भाजपा ही आएगा? भाजपा क्यों आएगा? क्योंकि विकास है। विकास विकास है। राहुल कुछ नहीं करेंगे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि कितने साल से उसकी सरकार थी फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो मंदिर में दर्शन भी करके गए नेता लोग? हाँ वो कुछ अलग बात है। शायद माँ चामुंडा उस पर प्रसन्न हो जाती है तो कुछ बात अलग है। लेकिन माँ चामुंडा वोटर प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? माँ की जय हो। जय भाजप। जय गरवी गुजरात। नरेंद्र भी भाजप ही आएगा। विकास गांडो थयो छे। गांडो थयो छे। भाजप भाजप भाजप। ओ विकास भागल। ये तो कांग्रेस का नारा है। नहीं कांग्रेस का नारा नहीं भाजप का काम बोल रहा है। विकास गांडो। विकास गांडो थयो छे। विकास आएगा। भाजपा आएगा। भाजपा मोदी मोदी जी है। मोदी भारतीय जनता पार्टी देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले जो 5 साल है इसमें देश को परम वैभव पर ले जाने का माननीय नरेंद्र जी मोदी काम करेंगे। गुजरात कहाँ पहुँचा है? गुजरात भी विकास के दौर पर है। कितनी सीटें? और लगभग 150 से ऊपर सीटें आएगी। गुजरात ऊपर सीटें। अमित शाह का भी आंकलन ऊपर जा रहा है। तो चौकड़ी बनी है हार्दिक पटेल जिग्नेश मेवाड़ी अल्पेश ठाकुर राहुल गांधी। कुछ होगा इनका? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो कुछ करते नहीं तो कहाँ से होगा? कुछ करना चाहिए उसके लिए। कितने साल हो गए बदलाव नहीं मांगता है? नहीं 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 जो चल रहा है वो सही। जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। वो आगे भी अच्छा होगा। क्या बात है। इधर देखिए ये आपकी ड्रेस गुजरात की पारंपरिक है। क्या कहते हैं? हमारी पहचान है। क्या है पहचान? बात है कान में जो है ये कान में ये क्या है? ये सोने का है। सोने का है ये? क्या है ये नहीं पता लेकिन ये सोने का। विकास कहते हैं। सोना देखो ये विकास हुआ। अगर ये सोना नहीं बदल इसका समझ को विकास नहीं हुआ। पेट भरा लोगों का जो भरा हुआ है। ऐसे ऐसे बंडी है 1000 रूपए 1200-1500 में बनती है। ये तो 200-200 में नहीं बनती। सोने वाले अंकल जी थे यहाँ पर ये भी कह रहे हैं भाजपा जीतेगा। ये दो छतरी लगा के थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता एकदम बढ़िया लगता है। बहुत अच्छी वेशभूषा है आपकी। चलिए आपका नाम क्या? राजीव भाई पंड्या। पंड्या साहब ये बताइए गुजरात में 22 साल से बीजेपी है कुछ हुआ नहीं हुआ क्या होगा इस बार? सब अच्छा ही होने वाला है। सीटें थोड़ी कम आएगी लेकिन बीजेपी ही आएगी। इतनी आ सकती है? 110 के 15 के आसपास आएगी। 110-115 90 मैक्सिमम 90 बीजेपी। प्लेट में ही मजेदार आवाज आती है इसकी है। इसमें बस 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 बस। इसको पीना कैसे है? ऊपर के जान मानी चाय पीता है। चाय पीता है। कौन आएगा इस बार? सूरजनगर गुजराती से। गुजराती से तमें गुजराती छो हमें पता छे लेकिन कौन जीतेगा? जय जब हारा नाना माना हारू काम कर जे। बेहतरीन चाय है। मजा आ गया। और यहाँ गन्ने का रस बन रहा है ना? कितना बिकता है? ठीक ठाक कमाई होती है? तो कौन जीतेगा गुजरात में? भाजपा। क्यों? क्योंकि मोदी की खूब मोदी सिरो कोई न आवे ने बिचारी तेवे नथी आकु राज अरे तो बगा अरे लाइए रस 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 बहुत बढ़िया। ये है गुजरात। यहाँ पर मिर्च भी मीठी होती है। यहाँ पर गन्ने का रस तो मीठा ही मीठा है लेकिन मोदी आवे चाहे बीजी कोई नहीं है ना दूसरा कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस गन्ने के रस के साथ आपको छोड़ जाते हैं। और इलाकों में भी जाएंगे लेकिन यहाँ चोटीला माता के मंदिर पर लोगों का कहना है जो कुछ भी है भाजपा ही है। शुरुआत करूं आप लोग बाद में पीजिएगा। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मल के साथ राजीव शर्मा इंडिया न्यूज चोटीला सुरेंद्र नगर।